स्वामी जी, इसे आप दूसरे दलों की फ्रस्ट्रेशन मानते हैं, नरेंद्र मोदी से कोई बैर है? क्योंकि राजनीति में सबके मनभेद मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्द किसी के लिए इस्तेमाल किए जाए, और वो भी अब तो प्रधानमंत्री हैं वो 8 साल से उनके लिए? देखो, एक तो अभी मैं अपनी भूमिका भी बीच बीच में निभाता रहूँगा कि मैं इसलिए आया हूँ लोगों का बीपी अप डाउन ज़्यादा ना हो जाए, कोई और कोई हेल्थ क्राइसिस ना आ जाए पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ तो मैं कहूँगा सब थोड़ा थोड़ा ठीक है। संजीव जी प्रसन्न हो तो ये बीच बीच में लोग अनुलोम विलोम कर लिया करें, क्योंकि आज ब्रेक तो होगा नहीं, तो इसलिए अनुलोम विलोम के द्वारा थोड़ा ब्रेक ले लिया करें, थोड़ा सांसें लोगों की थम से न जाएँ, इसलिए थोड़ा विपश्यना प्रेक्षा ध्यान योग थोड़ा कर लिया करें। और वैसे तो 7:56 पर हम रोज करवाते ही हैं, और जो फिर ये व्यक्ति योग में बरतता है ना, तो फिर आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, जीवन के अलग अलग जो प्रपंच हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, उनमें व्यक्ति अपना आपा नहीं खोएगा। ये भी मैं अपना योग का संदेश आज के इस योग में देना चाहूँगा। एक बार जरा व्यूअर्स के लिए रजत जी हम ये बता दें कि आप इंडिया टीवी पर ये जो लगातार नॉनस्टॉप कवरेज चल रही है, आंकड़े जब आना शुरू होंगे तो आप उसको कैसे देख पाएंगे? तो सबसे पहले आप स्क्रीन को देखें, ऊपर आपको हिमाचल प्रदेश के नतीजे और रुझान वो देखने को मिलेंगे, नीचे स्क्रीन के सबसे बॉटम में आपको गुजरात के नतीजे वो नजर आएंगे, और इस स्क्रीन के दोनों तरफ आपकी टीवी स्क्रीन के गुजरात के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, वहाँ के क्या क्या रुझान आ रहे हैं, ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो आपको लगातार पता चलते रहेंगे। और कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपकी सहूलियत के लिए, सरलता के लिए, किस किस सीट पर कहाँ कौन आगे चल रहा है वो तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन कहाँ किस रीजन में किस पार्टी को कितने वोट, कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, कौन आगे चल रहा है कितनी सीटों पर, वो अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचाने की जानकारी हमने ये कोशिश की है। तो कभी आपको ये ड्रोन उड़ता हुआ नजर आएगा, कभी आपको गुजरात के रन ऑफ कच्छ में एक ऊंट गाड़ी जाती हुई दिखाई देगी, ये सब इसीलिए ताकि आपके लिए हम आज का एक्सपीरियंस थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बना सके, इन्फॉर्मेटिव भी बना सके। इंडिया टीवी ने एक तरह से चुनाव का आज का दिन जो है ना, इसको एक लोकतंत्र के महोत्सव का सा स्वरूप दिया हुआ है। आप स्क्रीन पर वहां पर भी देखो, यहां पर भी मैं देख रहा हूं, क्योंकि गुजरात में बहुत मंदिर भी है, तो ये सोमनाथ मंदिर है स्वामी जी। हाँ, तो सोमनाथ मंदिर से लेकर के, और ये जो पूरा तामझाम पूरा जो इकट्ठा किया है वो इस बात का प्रतीक है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति और राजनीति में अपनी जिम्मेदारी के प्रति इंडिया टीवी और हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत जी पूरे सजग है कि जो दर्शक है, वैसे तो पॉलिटिक्स वाले कहते हैं वो हमारे वोटर हमारे भगवान होते हैं, लेकिन ये जो है इंडिया टीवी के लिए जो उसके दर्शक है वो भी भगवान की तरह ही है, तो उनको कैसे अच्छे तरीके से उनकी सहूलियत के अनुसार और पूरे सबसे पहले और सबसे निष्पक्षता के साथ रोचक तरीके से उनके उनको इस लोकतांत्रिक बोध के साथ उनको कैसे चुनाव नतीजों तक चुनाव संप्रेषित करने, इसके लिए अच्छी तैयारी की, उसके लिए आपका अभिनंदन। दो बातें स्वामी जी, एक तो इंडिया टीवी हम मानते हैं कि दर्शक ही भगवान है, अगर दर्शक हमें नहीं देखेगा तो हम कहाँ होंगे, हम जो कुछ हैं अपने दर्शकों की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से, तो वही हमारी ताकत है, उन्होंने इंडिया टीवी को बनाया। और दूसरी बात यह कि जो चुनाव है हमारे देश के लोग इसे उत्सव की तरह मनाते हैं, कोई भी चुनाव हो लोग जोश में, मज़े में और एंजॉय करते हैं इलेक्शन को, ये हमारे लोकतंत्र की बड़ी ताकत है। मैं देखता हूँ बाकी देशों में जब चुनाव होता है तो वहाँ के लोगों के लिए मुसीबत होती है, कहाँ जाएंगे, कौन वोट डालेगा, हमारे लोग वोट डालने के लिए तैयार होके जाते हैं। ये वोट डालने का जो अधिकार भी है, ये भी करीब 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत हमें प्राप्त हुआ, और लोकतंत्र में यदि हम सही नेता का चयन करते हैं तो हम देश को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं। तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का जो बोध है, भारत बोध कहो, लोकतांत्रिक मूल्यों का बोध कहो, उसका बोध भी जो है वो आदरणीय रजत शर्मा जी को मैं देखता हूँ, खाली आज के दिन ही नहीं, जब ये तो बहुत बड़ा दिन है आज का चुनाव की, जब अकाउंटिंग डे होता है, तो मैं आज की बात में भी देखता हूँ कि समाचारों के साथ हमारी इस राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उन संवेदनाओं को भी बहुत अच्छे से संप्रेषित करते हैं आप। हमने रजत जी अभी काफ़ी बात की कि प्रधानमंत्री के किसी चुनाव में आने से उनकी पार्टी को क्या एज मिल जाता है, मैं बाकी जो दो बड़े प्लेयर हैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, उनके बारे में थोड़ी आपकी राय और जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी से शुरुआत करके। देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य है, और कांग्रेस के नेता मुझे कह रहे थे कि आप ही बता दीजिए, चुनाव गुजरात में है, हिमाचल में है, और वो यात्रा मध्य प्रदेश और राजस्थान और कर्नाटक में कर रहे हैं,
क्यों नहीं आए गुजरात में? गुजरात में आते, गुजरात में यात्रा निकालते तो उनका क्या बिगड़ जाता? मुझे ऐसा लगता है इसमें राहुल गांधी बहुत एक सरी बालक लड़का है, उसको जो घुमा रहे हैं ना लोग, वो ऐसे घुमा रहे कि ये नेता ही ना बने। मतलब ये तो देखो, ये आत्मघात कर रहे हैं। मतलब एक तरह से राहुल गांधी जी की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसके लिए कुछ अभियान चलाना चाहिए आपको। अब स्वामी जी 50 साल उम्र पार करने के बाद आप ये उनको डिफेंस दे रहे, कोई उन्हें घुमा रहा है, ये मैं नहीं मानता। उनके जो रणनीतिकार है ना, हाँ, और उसमें देखिए अब रणनीति अपने आप ही बनानी पड़ती है। केजरीवाल अपनी रणनीति अपने आप बनाते हैं, नरेंद्र मोदी अपनी रणनीति अपने आप बनाते हैं, वो किसी की तरफ देखते नहीं है। ये काम राहुल जी को भी करना चाहिए। ये लीडर की बड़ी क्वालिटी ये होती है, उनको ये करना चाहिए। और वो चाहे किसी को अध्यक्ष बना दें, कांग्रेस में कोई रहे, ये मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, पूरी पार्टी उनकी तरफ देखती है, उम्मीद से देखती है। हम क्रिकेट के मैच में विराट कोहली की तरफ देखते हैं, ये मैच जिता देंगे, रोहित शर्मा की तरफ देखते हैं, मैच जिता देंगे। ये लीडर के ऊपर डिपेंडेंस होती है पार्टी की, पार्टी की हिम्मत बढ़ती है अगर लीडर मैदान में। गांधी परिवार की तरफ देखता है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए गुजरात के चुनाव में वो दो दिन आए, एक दिन आए, मुंह दिखाई करा के चले गए, ऐसे कैसे पार्टी चलेगी? और फिर ये कहने लगे नहीं हम चुपचाप लड़ रहे हैं। इलेक्शन चुपचाप कैसे लड़ा जाता है? चुपचाप तो मौन होकर योग और समाधि की जाती है। नहीं, ये सवाल उनकी पार्टी के नेताओं से पूछें तो बहुत ज्यादा जवाब नहीं होता उनके पास कि राहुल जी की यात्रा क्यों नहीं जा रही चुनावी। सौरभ, वो हमसे पूछते हैं कि आप ही कुछ बता दीजिए। पार्टी के लोगों को नहीं मालूम है कि राहुल गांधी ये क्यों कर रहे हैं, और वो कहते हैं ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। अरे आप इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी की विरासत लेकर बैठे हैं, उसके सबसे बड़े राजनीतिक नेता हैं आप, पार्टी की लाइन डिसाइड करने वाले, तय करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये फैसले तो करने ही चाहिए। और ये कड़े फैसले होते हैं, मुश्किल होता है चुनाव में जाना, रैली करना, लोगों को भाषण देना, पॉइंट्स निकालना, उसकी तैयारी करना, ये करना ही पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। कांग्रेस देश की बहुत बड़ी पार्टी है, आज भी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश के कोने कोने में है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता हर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में है। कांग्रेस की विचारधाराओं को सपोर्ट करने वाले करोड़ों लोग इस देश में हैं। कोई निकले, उन्हें जोश दिखाए, उनमें उत्साह भरे और उनको चुनाव के मैदान में लाए, ये बहुत जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।